नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ, और कोशिश हम ये करते हैं कि एक विषय को चुनें और उस विषय में बहुत सारी बातचीत करें स्टूडियो में बैठकर अपने एक्सपर्ट के साथ, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। और हमारे जितने भी नियमित दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन पर आधारित होता है, सजीव प्रसारित होता है, तो आपके पास भी मौका हो जाता है कि अगर विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मौका आपके पास भी हो जाता है सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात करने का। हमारे विशेषज्ञ से बात करने के लिए आपको ज़रूरत होगी हमारे स्टूडियोज़ के नंबर की, तो पहले आप वो नोट कर लीजिए। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर हैं 2666335, दूसरा नंबर है 2665478। अगर आप देहरादून शहर के बाहर से हमसे संपर्क कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा 0135 हमारे शहर का स्टडी कोड है। नंबर्स के आगे ज़रूर लगाइएगा, तभी हमसे बातचीत हो पाएगी। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर से दोहरा देती हूँ, अपने लिख लिया है तो मिला लीजिए। 0135 हमारे शहर का स्टूडियो कोड है और स्टूडियोज़ के नंबर हैं 2666335, दूसरा नंबर है 2665478। अब मैं आ जाती हूँ विषय पर। देखिए दर्शकों, जैसे कि मौसम बदल रहा है, बहुत छोटी सी मामूली सी खांसी, जुकाम, बुखार वाली जो तकलीफ़ें हैं या दिक्कतें हैं, ये तो आती ही हैं, साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती हैं हमारे जीवन में, या हम ये कहें हम अगर अस्वस्थ हो जाते हैं तो छोटी सी तकलीफ भी हमें ज़्यादा लगने लगती है। और हमारे देश की प्राचीनतम पद्धति है आयुर्वेद, और आयुर्वेद में क्या इन छोटी सी बीमारियों का या बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज क्या संभव है? अगर आपकी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है और आप आयुर्वेद के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट या इलाज चाहते हैं, तो आपके पास मौका है सीधे हमारे स्टूडियोज़ के नंबर से हमसे संपर्क करें, हमारे विशेषज्ञ से सीधे अपनी समस्या का निवारण आप पा सकते हैं। विषय मैंने आपको बता ही दिया है, आयुर्वेद के माध्यम से जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, इस बीमारी हैं, उनका इलाज, तो आप जो है विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आप शांत कर सकते हैं स्टूडियोज़ के नंबर के माध्यम से। इससे पहले कि मैं अपने विशेषज्ञों का तारुफ कराऊं, सबसे पहले तो आप सभी को दूरदर्शन केंद्र देहरादून की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से लेकर 5 दिन तक हम लगातार पर्व मनाते हैं, और तमाम पर्व यानी कि दीपावली, छोटी दीपावली, तमाम जो जितने भी पर्व हैं सबकी हम आपको अग्रिम शुभकामनाएँ देते हैं। और हमारे साथ आयुर्वेद के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हैं डॉक्टर नवीन जोशी। आप वरिष्ठ परामर्शदाता हैं आयुर्वेद चिकित्सा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर वत्सला बहुगुणा पांडे, आप आयुर्वेदिक महिला चिकित्सक हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। इससे पहले कि हमारे दर्शक हमसे जुड़ें, उनके कॉल्स आने शुरू हो जाएं, हम बातचीत शुरू करें, मैं अपने प्रोड्यूसर शिवराम सिंह रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे पास बाइट है एक माननीय प्रधानमंत्री जी की, पहले वो प्ले कर दीजिए। अगर नई बीमारी आएगी तो एलोपैथी वाले संभाल लेंगे, लेकिन बीमारियां ना आए वो तो आयुर्वेद ही संभाल सकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री का सिर्फ एक वाक्य ही काफी था, अगर बीमारियां ना आए उसके लिए जो है सिर्फ आयुर्वेद संभाल सकता है। सर, आयुर्वेद से चिकित्सा पद्धति, इसमें मैं बाद में बात करना चाहूंगी, सबसे पहले धन्वंतरी जयंती है आज, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, धन्वंतरी को सामान्य लोग धनतेरस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी रहे हैं। आयुर्वेद शास्त्र में यह वर्णित है कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और क्रमशः जो धरती पर जो इस ज्ञान को लाए वो भगवान धन्वंतरी थे जी। और धन्वंतरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि धन्वंतर पार गमनम इति धन्वंतरी, यानी जो रोग रूपी कष्ट से हमें पार लगाए ऐसे भगवान धन्वंतरी हैं। यानी वैसे देखा जाए तो चिकित्सकों के लिए भगवान धन्वंतरी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि वह रोग यानी रुझा यानी कष्ट से पार लगाने वाले भगवान देवता धन्वंतरी है। वैसे तो चिकित्सकों को ही लोग धन्वंतरी मानते हैं, क्योंकि चिकित्सक को ही ईश्वर का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन चिकित्सकों में
जो आराध्य देव हैं वो भगवान धन्वंतरी हैं। जी, इसके अलावा एक छोटी सी मतलब आयुर्वेद के लिए तो आज का दिन बहुत विशेष होगा। जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने इस दिन का विशेष ध्यान रखा और वर्ष 2016 में प्रथम आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो आज का दिन जो है वो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सर, बातचीत जारी रखेंगे। कॉलर है जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है इनका संपर्क हमसे कट गया। मैम, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आज आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस, इसके बारे में बताएं आप। देखो, जब असुरों और देवताओं का जब समुद्र मंथन में लड़ाई हुई थी, तो भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। जी उसी को ही हम आयुर्वेद के भगवान मानते हैं। उन्हीं की पूजा की जाती है, उन्हीं के नाम से आज धनतेरस मनाया जाता है। और आयुर्वेद के जो भी चिकित्सक हैं उनको बड़े श्रद्धा से मानते हैं, जी तो वहीं से ही आयुर्वेद का अवतरण हुआ है। बिल्कुल, वहां से अवतरण बिल्कुल, हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, आज आयुर्वेद दिवस, बिल्कुल, थर्ड दो नेशनल साल आयुर्वेद पहले, डे। 2 साल पहले की जी बात जी है ये, कि तीसरा, उन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस आज जो है धनतेरस को जो है उन्होंने घोषित किया था। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि कई बार होता है आयुर्वेद पद्धति हमारे देश की प्राचीनतम पद्धति है, लेकिन विश्वास फिर भी अभी भी लोगों को कम है, इसके बारे में बताएं, फिर उसके बाद इलाज के बारे में बात करते हैं। देखिए, अंग्रेजी जो चिकित्सा पद्धति है वो, उसका इतिहास अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हमारी जो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है वो 5,000 साल पुरानी चिकित्सा जी पद्धति है। जब ब्रिटिशर्स से पहले, ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिश की सरकार थी, उससे पहले यहाँ जो चिकित्सा जो चलती थी हमारे यहाँ, वो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और योग, इन्हीं से लोग अपना इलाज कराते बिल्कुल थे। सर, यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ, जी इसका आंसर जो है कंटिन्यू कीजिएगा आगे। जी कॉलर है प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अगर हमने उनके कॉल नहीं ली तो नहीं, वो फिर बिल्कुल कट हो जाएगी। हेलो, हेलो, नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। मैं केदारनाथ बोल रहा हूँ, आगरा से। जी सर, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। मेरे जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में बहुत टाइम से। जी, घुटनों में दर्द होता है हाँ, जोड़ों में दर्द होता है, और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। और कुछ नहीं पूछ रहा है। कब से हो रहा सर, जानना चाहेंगे। ये दर्द आपको कब से है और काफी क्या टाइम सूज से है, जी काफी टाइम से। हाँ, काफी अच्छा, टाइम से। सूजन भी रहती है क्या आपको दर्द के साथ? सूजन रहती है सर, कॉल लगता जी, है। जी और ये बड़े जोड़ों में है, हाँ, जोड़ों में जी। बड़े जोड़ों में। तो ये आपकी उम्र कितनी होगी? 61 है। 61 है, तो ये संधिवात की परेशानी है आपको, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जी इसमें आप थोड़ा सा एक कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक तो रेगुलर हल्का सा एक्सरसाइज करिए आप, व्यायाम थोड़ा जितना आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जोड़ों को थोड़ा चलाते रहिए। दूसरी चीज़, आपको आप आसपास आपको एक महानारायण तेल मिल जाएगा, उसकी स्थानीय मालिश कर सकते हैं आप, और दो दो गोली आप योगराज गुग्गल आपको मिलेगा, योगराज गुग्गल आप ले सकते हैं तोड़ के गुनगुने पानी से, ये आप लगातार लें। प्लस यदि आपको इससे आराम ना मिल रहा हो तो आप आसपास जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, पंचकर्म चिकित्सालय हैं, वहाँ जाकर के एक बार दिखाएं, पंचकर्म चिकित्सा से आपको इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। जी सर, जैसे कि आपने तेल की बात की, मालिश की बात की, कि 2 टाइम अगर वो तेल जो है, सर नाम एक बार फिर से बता दीजिए, महानारायण तेल। महानारायण तेल है, उसके आप 2 बार अगर मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, जहां पर आपको दर्द है जी, उस एरिया में आप मालिश कीजिए। और सर दवाई भी आपने बताया था, जी, योगराज गुगुल, गूगल बताया था वो, सर वो भी टेबलेट्स के रूप में टेबलेट्स आती के है। फॉर्म में है जी जी और उससे कितनी लेनी है दो वो? गोली सुबह और दो गोली शाम को। जी जी और अगर इससे आपको आराम नहीं मिलता है, तो फिर आप अपने निकटवर्ती जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर आप जाकर उनको अपनी तकलीफ बताएं, तो उसके बाद जो है आपका इलाज जो है वहां से कंटिन्यू हो सकता है। सर, एक कॉलर और है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेलो हेलो, लगता है इनका संपर्क हमसे कट गया है। हेलो जी सर, हम बात कर रहे थे कि अंग्रेजी एलोपैथी दवाओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं लोग,
इसका कारण ये है कि आज की भागती दौड़ती जीवन शैली में लोग तुरंत आराम चाहते हैं। जी जैसे जी दर्द जी हुआ तो जी एक गोली खाएं और हमें तुरंत आराम मिल जाए, पर जो भी चीज़ तुरंत आराम देती है उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, वो नुकसान भी देती है। जी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे प्राचीनतम दादी नानी और हमारे पुरातन जो है हमारी जो संस्कृति से जुड़ी हुई पद्धति है, ये जीवन का विज्ञान है, एक वे ऑफ लाइफ कहते हैं उसको। जी जी तो ये ब्रिटिश के पहले से भी, ब्रिटिश के आने से पहले ये पूरी चिकित्सा पद्धति हमारे यहाँ बाकायदा पारंपरिक रूप से जो बिल्कुल है इसका प्रयोग होता था, जी और लोग उस समय भी बीमार पड़ते थे और उस समय भी इन्हीं दवाओं से ठीक होते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला जी और लोगों के पास समय का जब अभाव रहने लगा जी तो उन्हें एलोपैथ की और उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। सर कॉल ले लेते हैं फिर बातचीत जारी रखेंगे। हेलो हाँ जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी मैं तेजपाल गढ़वाल से बोल रहा हूँ। जी तेजपाल जी स्वागत है कार्यक्रम में। तेजपाल जी आपकी आवाज हमें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही है, अगर आप कमरे के अंदर बैठे हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए उसके बाद प्रश्न पूछिए। सबसे पहले जो हेल्थ और डॉक्टर दूरदर्शन की पूरे देश को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। अब मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल का सुझाव मांगता हूँ मैं। डॉक्टर साहब अक्सर पत्थर को बहुत ज्यादा देखा जाता है जी, तो सर दर्द के लिए अक्सर बहुत ज्यादा सर दर्द आम आदमी के अंदर देखा जाता है, तो केमिस्ट्री से एलोपैथिक दवा की पूरी रिटर्न करो आयुर्वेदिक में ऐसी दवा नहीं निकल पाए जो सर दर्द में काम करे। और दूसरा सवाल मेरा यह है एसिडिटी और कब्ज, इन चीजों से लोग बहुत परेशान है, तो इसका निदान आयुर्वेदिक में कैसे हो पाए सर। दूसरा प्रश्न आपने समझ लिया? दूसरा प्रश्न तो दूसरा समझ प्रश्न में नहीं आया। समझ पाए तेजपाल जी हम। दूसरा प्रश्न सर मेरा ये है कि एसिडिटी और एसिडिटी जी 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 सर मैं चाहूंगी सर दर्द का आप बताएं, एसिडिटी मैम आप बताइएगा। जी सर जैसा कि इन्होंने कहा कि सरदर्द जो है एक समस्या है, सरदर्द का कई कई कारण होते हैं, एक तो उच्च रक्तचाप भी कारण होता है, नींद का ना आना भी एक कारण होता है और एसिडिटी भी जुड़ती है इससे, और सबसे बड़ा कॉमन कारण जो आजकल है वो माइग्रेन है। तो देखना पड़ेगा कि किस वजह से सरदर्द है, लेकिन चूंकि सरदर्द अगर सामान्य रूप से देखते हैं तो जीवन शैली की समस्या और तनाव की वजह से होता है, तो इसमें आप आयुर्वेदिक चिकित्सा बड़ा उपयोगी काम करती है। इसमें आप कुछ दवाइयां मैं बताता हूँ वो आप सेवन करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। सूत शेखर रस आती है एक दवा, उसको दो गोली सुबह दो गोली शाम आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कोई भी ऐसे खान पान को ना लें जिससे कि आपकी एसिडिटी बढ़े, क्योंकि एसिडिटी भी आपने बताई वो सरदर्द से जुड़ती है, यदि एसिडिटी ठीक होगी तो सिरदर्द भी नहीं रहेगा। दूसरा खाली पेट रहने से बचें, ये महत्वपूर्ण है, सिर दर्द के लिए आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक कराएं, यदि 40 साल से ऊपर के हैं और लगातार सरदर्द बना हुआ है तो अपना रक्तचाप जरूर आप जो है आसपास के चिकित्सक से चेक कराएं, रक्तचाप को नियंत्रण में रखें, सिरदर्द ठीक हो जाएगा। जी मैम जैसे कि आज के टाइम पे एसिडिटी की समस्या बहुत आम हो गई है, आयुर्वेद एसिडिटी के लिए हम ज्यादातर करते क्या है एलोपैथ की और जाते हैं किसी तरह का कोई लिक्विड ले लेते ले हैं लेते तो हैं। वो पी लेते हैं, उससे आराम तो मिल जाता है, लेकिन क्या आयुर्वेद में भी इस तरह का कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, पहले तो आयुर्वेद में ये बताया जाता है कि एसिडिटी का कारण क्या है। हाँ, पहले कारण सबसे पहले कारण अगर हम निदान ही हटा देंगे तो एसिडिटी होगी, दवाई की बात चिकित्सा की बात हम तब करते हैं। सबसे पहले कि एक नियम होना चाहिए खाने का, किस समय खाना खाना चाहिए, एक नियमित समय में अगर हमारा भोजन रूटीन है कि लंच इस टाइम पे लेना है वो स्किप नहीं करना है, ब्रेकफास्ट जल्दी से जल्दी कर लें, डिनर टाइम पे कर लें, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ सुबह खाली पेट जल्दी उठ के सुबह खाली पेट 2-3 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए, क्योंकि उससे ऐसे होता है कि पेट साफ रहता है। अगर जी, पेट जी। साफ रहेगा मूल कारण उसका है कोष्ठबद्धता। अच्छा। अगर कब्ज ठीक रहेगी आपकी तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये तो कारण हो गए। हाँ, अब मुझे ये भी बता दीजिए कि ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट में ऐसा है ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खानी है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना है, ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी है। अभिपत्ति का चूर्ण बहुत अच्छा है हमारे आयुर्वेद में, चूर्ण ले सकते हैं, कामदूधा रस ले सकते हैं आप, ठंडी चीजें लीजिए एकदम गरम मतलब गरम, गरिष्ठ भोजन गरिष्ट, भी ना गरिष्ट ले, भी नहीं और लें मसालेदार, और समय पे लें आप जी, जी, तो जी। फिर काफी कुछ किस कुछ हद तक ये सही हो जाए। बिल्कुल सर, एक कॉल ले लेते हैं मैम पहले फिर बातचीत जारी रखेंगे। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हम पूछना चाहते हैं कि जी सबको मना किया, ये चीजें वास्तव में मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है।
जी सर, देखिए जो ये बताएं। इन्होंने एक सूत्र से बताया है, ये लोकोक्ति है जी, और कुछ हद तक सही है, क्योंकि पथ्य और अपथ्य का जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद का ही सिद्धांत है। आयुर्वेद में कहा गया है कि क्या चीज़ें नहीं खानी है, कौन से मौसम में नहीं खानी है, तो ये पथ्य और अपथ्य का सिद्धांत है जो एक लोकोक्ति के फॉर्म में बताया गया। क्योंकि चूँकि मैंने बताया जैसा कि हमारी जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है वो ग्रामीण चिकित्सा पद्धति है, तो गाँव में दूसरों को समझाने के लिए पहले लोकोक्तियाँ बहुत आराम से प्रयोग में की जाती थी और लोग समझ जाते थे। जैसे आपको पूरा अपथ्य और पथ्य का पूरा कंसेप्ट आपको याद है, तो ये बिल्कुल सही है। अपथ्य और पथ्य, किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये आहार विहार और ऋतुचर्या का एक क्रम है जो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल आपने जो ये लोकोक्ति बताई है ये मैं इससे इत्तफाक रखता हूँ बिल्कुल। और एक कॉल और है, पहले कॉल ले लेते सर। हेलो हेलो हेलो, हमारे बहुत दूर दराज से भी हमारे कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर हम दे रहे होते हैं उसके बाद आपके कॉल को हम ले सकते हैं, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करके लाइन पे आप बने रहें तो अगला जो कॉल है वो आपका ही हम लेंगे। अच्छा मैम, जैसे कि हम आप पर आ जाते हैं, पहले तो ये है जैसे हम महिलाओं के स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं महिलाओं के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित अगर हम बात करते हैं, तो क्या एलोपैथी में तो तमाम तरह के इलाज हैं, शल्य क्रिया भी है, तो क्या आयुर्वेद में भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से इलाज संभव है और किस तरह के प्रॉब्लम्स के किस तरह के इलाज हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं पहले तो जब रोग बढ़ जाता है तब आती हैं, तब आती है, सही बात। जब छोटी सी समस्या ही रहती है वो तभी शुरुआत कर दें तो ट्रीटमेंट भी इजी होगा। और दूसरी बात, वो अपने हस्बैंड के साथ जरूर आएँ, हस्बैंड जरूर कोऑपरेट करें। वो पहले तो डरती हैं अकेले आने में, खुल के बता नहीं पाती अपनी समस्याएं। जैसे छोटी सी बीमारी है श्वेत प्रदर, सफ़ेद पानी का आना, बिल्कुल बिल्कुल, उसी की वजह से महिला के शरीर में बहुत गिरावट आ जाती है, कमर में दर्द रहता है, काम ठीक से नहीं कर पाती हैं, सब स्वास्थ्य गिरता जाता है। सबसे पहले तो ये बात है कि महिलाएं जो हैं अपनी बीमारी को छुपाती हैं, वो डॉक्टर्स के पास भी जाके खुल के नहीं बताती कि मुझे दिक्कत क्या है। मैम आपसे बातचीत में कंटिन्यू रखूंगी, फरीदाबाद से एक फोन आ रहा है, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम जी, धनतेरस से आपको शुभकामनाएं मेरी। नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूरदर्शन केंद्र देहरादून की ओर से। मैं 64 साल का हूँ जी सर, फरीदाबाद से मैं बात कर रहा हूँ, जयंती प्रसाद जी सर, पूछिए प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं। मैडम जी मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर साहब से, मेरा काम है जी, तो कमर दर्द और वैसे मैं जो आप उन्होंने योगा के बारे में बताया था, मेरे घुटनों में दर्द होता था, वो तो योगा से काफी आराम मिल रहा है जी, लेकिन ये कमर दर्द हो रहा है, मेरा आंखों में जलन हो रहा है आजकल, आंखों में जलन है आजकल, जो है प्रदूषण ज्यादा चल रहा है जी 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 बिल्कुल। दिल्ली में तो आज ही हमने न्यूज में भी देखा है कि बहुत बुरी हालत है। जो आंखों में जलन है वो तो जैसा कि मैडम ने बताया कि वो उसका एक कारण जो है प्रदूषण है, लेकिन जो कमर का दर्द है आपका वो आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक हो सकता है, थोड़ा यदि वो उसमें समस्या कुछ ज्यादा बड़ी ना हो। फिर इन्होंने ये भी कहा कि इनके घुटनों में भी दर्द था, योगा किया तो उससे आराम। हाँ, लेकिन आपने एक अच्छी चीज ये बताई कि आपको घुटनों में तकलीफ थी और आपने योग किया और आपको आराम मिला, ये बहुत अच्छी चीज है। आप योग में ही कुछ आसन को और कंटिन्यू करिए जो कमर के लिए लाभदायक हैं। प्लस दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, पंचकर्म में एक चिकित्सा है कटिवस्ती, जिसका अभी थोड़ी समय ही उसका फोटोग्राफ अभी आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा जी, था जी, जी। पंचकर्म चिकित्सा का, कटिवस्ती का आप प्रयोग निश्चित रूप से करवाएं अपने आसपास के पंचकर्म केंद्र, जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय होंगे वहाँ पंचकर्म केंद्र है, तो वहाँ जाएं आप और कटिवस्ती आप लें, उससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। योग के आसन जो आपको बताए हैं, योग प्रशिक्षक के निर्देशन में आप लें, उनमें कमर दर्द से काफ़ी राहत मिलेगी, और साथ साथ पंचकर्म की चिकित्सा लें। और जहाँ तक अभी आंखों में जलन की बात है तो आप एक काम करिए, इसमें आप जो है सुबह शाम ठंडे पानी से आप आँख को धोया करिए, साथ साथ त्रिफला हरड़ बहेड़ा आंवला आपको मिल जाएगा, उसका काढ़ा बनाकर इसको छान लीजिए और ठंडा कर लीजिए, बिल्कुल कपड़ छन कर लीजिए, उसमें बिल्कुल पाउडर ना नहीं होना चाहिए, और उसके पानी से आप जो है आँख को साफ करिए, वो निश्चित रूप से आपको नेत्र से संबंधित जलन और अन्य तकलीफों में भी आराम देगा, बल्कि नेत्र ज्योति को भी बढ़ा देगा जी सर। जैसे कि त्रिफला चूर्ण हमें रेडीमेड मिल जाते हैं बाजार में, तो क्या उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए त्रिफला चूर्ण आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो हरड़ बहेड़ा और आंवला अलग अलग फ्रेश बराबर मात्रा में आप ले लें, इसको संभाग लेकर के यवक कूट करके इसका आप चूर्ण बना सकते हैं, वो भी त्रिफला चूर्ण है। बिल्कुल, कपड़ छंड करना बहुत जरूरी, मतलब बहुत महीन वो कुटा हो और उसको छान लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सर एक कॉल है, पहले कॉल लेते हैं। हेलो
नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। हम जय देवी मिश्रा बाराबंकी से। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? हमारा प्रश्न ये कि हमारे एसिड बहुत बनती है और जलन भी बहुत अधिक, आपके मुंह से जब खट्टा खट्टा गिरा करता है, चीटी की तरह काटा करता है, ये कौन से लक्षण काहे कहते हैं? कब्ज और एसिडिटी आप पूछना चाह रही हैं ना? जी मैम आप बताएं। आपको जैसे सुनने में आया है कि कब्ज़ और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, गुनगुना पानी, सुबह गुनगुना पिए तो ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि खाने से पौन घंटा 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स पहले पानी पीजिए, और खाने के एकदम बाद भी पानी मत पीजिए। अच्छा। 50 मिनट बाद ही पानी पीजिए। पाचन सही से होगा तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कब्जियत की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा भी दिक्कत रहती है तो हरी सब्जियाँ खाइए, सलाद वगैरह लीजिए आप। और इसके अलावा आप अभिपत्ति का चूर्ण ले सकती हैं, सूत सेकर रस ले सकती हैं, ठंडा दूध ले सकती हैं जब ज़्यादा एसिडिटी हो। इन सब चीज़ों को कीजिए, और बाकी अगर नियम से आप ये पानी पीने का रूटीन रखेंगे, खाने के तुरंत बाद भी नहीं और खाने के आधा घंटा पहले भी नहीं, आधा पौन घंटा पहले, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल्कुल 45 मिनट खाने से पूर्व और 45 मिनट खाना खाने के बाद का पानी का आप नियम बना लीजिए। खाली पेट आप गुनगुना पानी सुबह उठ के ले लीजिए, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा हरे पत्तेदार साग सब्जी का आप सेवन कीजिए। फ्रूट्स जो मौसमी फल फ्रूट आ रहे हैं उनका आप सेवन कीजिए। तब भी आराम नहीं मिलता तो चिकित्सक को जाकर जो है जरूर आप दिखाइए। हेलो, एक कॉल और है हमारे पास। हेलो, नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। जितेंद्र भास्कर बोल रहे हैं, लुधियाना से। जी जी सर, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है ये बहुत पुरानी है और इसमें इलाज भी बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया इलाज है, लेकिन आजकल के जमाने में इसकी वजह से बहुत से लोग जो है आयुर्वेद को कहते हैं हम आयुर्वेद से संबंधित है, लेकिन वो गलत जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं, उससे जो इलाज है सही नहीं हो रहा। हमें क्या करना चाहिए कि सही जो है आयुर्वेद के पास पहुंचना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे पहचानें? बहुत ही अहम सवाल है इनका, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये ज्वलंत समस्या है। क्योंकि जब कोई चिकित्सा पद्धति बहुत कामयाब होती है तो फिर कई चीजें उसके साथ ऐसी जुड़ जाती है जो उसके आड़ में बहुत सारी गलत चीज़ें भी होने लगती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका जो इशारा है वो क्वैक्स प्रैक्टिस की तरफ है, जो आयुर्वेद के नाम पे जो गलत आयुर्वेद के नाम पे जो जैसे झोला छाप चिकित्सक कहते हैं या क्वैक्स चिकित्सक कहते हैं या जो तमाम सारे खानदानी दवा खाना और गारंटी से इलाज और इस तरह के क्लेम्स करते हैं, टेंट में जो चिकित्सा करते हैं, आपका इशारा उनकी तरफ है। तो पहली बात तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप किसी से चिकित्सा लेने जाएं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये तय करें कि उस चिकित्सक के पास क्वालिफाइड डिग्री है या नहीं है। आयुर्वेद की डिग्री आयुर्वेदाचार्य BAMS की डिग्री होती है, जिसे बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विथ मेडिसिन एंड सर्जरी कहते हैं। और यदि वो उसमें स्नातकोत्तर की उपाधि है तो MD उपाधिधारी चिकित्सक होगा। दूसरी चीज़ उसका, जिस आप चूँकि पंजाब से बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ से लग रहा है, तो आप देखिए कि पंजाब भारतीय चिकित्सा परिषद बोर्ड में उसका पंजीयन है या नहीं है, उसने अपने क्लिनिक पे उस रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र लगाया है या नहीं लगाया है। बस इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आप गलत जगह जाने से बच जाएंगे, इसलिए आप ऐसी जगह जाइए ही नहीं। तीसरी चीज़, विज्ञापनों में आ रहे गारंटी और तमाम तरह के जो विज्ञापन हैं जो भ्रमित कर रहे हैं आपको, जिसमें एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों को गारंटी से इलाज करने की बात की जा रही है, वो निहायत ही आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं इस, और वो आप कभी भी उसके भ्रमजाल में न जाएं, और वहीं से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बदनाम हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बिल्कुल, सवाल भी इनका बहुत अच्छा था और आज के समय में ज्वलंत विषय भी है आपके प्रश्न में, क्योंकि ये जो समस्या है ये हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से, हम चले तो जाते हैं लेकिन हम डायरेक्ट पूछ भी नहीं पाते हैं कि आपकी डिग्री कहाँ की है, तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, हमें अवेयर होना होगा। सर एक कॉल और है, पहले कॉल लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। हाँ मैं ओम प्रकाश सब्जियाल बोल रहा हूँ, लुधियाना पंजाब से। जी सर पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ मेरी प्रॉब्लम यह है डॉक्टर साहब कि मेरे नाक से पानी बहता रहता है, नजला जुकाम जैसे होता है ना जी, और वो पानी कई इलाज करा दिए, लेकिन आयुर्वेद भी कराया, होम्योपैथिक कराया, एलोपैथिक कराया, वो नाक का पानी बंद नहीं हो रहा है जी। जी सर काफी टाइम से है
जैसा कि इनके इन्होंने जो लक्षण बता रहे हैं वो प्रतिष्ठाए हमारे आयुर्वेद में प्रतिष्ठाए बोलते हैं, होम्योपैथी करवा चुके हैं, एलोपैथी करा चुके हैं, पर आप आयुर्वेद चिकित्सा में आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूँ, वैसे आप एक षडबिंदु तेल आता है उसका आप नष्ट, कौन सा तेल सर? षडबिंदु तेल, षडबिंदु तेल, सर्व षड 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 बिंदु षड षटकोण वाला श ड बिंदु तेल, षड बिंदु तेल, हाँ बिंदु तेल जी, इसकी इसकी दो दो बूंदे आप जो है वो सुबह प्रातः काल आप जो है सुबह नाक में डालिए, और इसके साथ साथ हरिद्रा खंड पाउडर आता है, हरिद्रा खंड, हरिद्रा हल्दी, हल्दी से बना हरिद्रा, हल्दी हल्दी से, हाँ हल्दी, हल्दी का खंड पाउडर आता है, हरिद्रा खंड बोलते हैं उसको, और च्यवनप्राश अलग चीज है, हरिद्रा खंड पाउडर, हरिद्रा खंड पाउडर और गिलोय, गिलोय पाउडर, इन दोनों को गिलोय, गिलोय, गिलोय पाउडर, इन दोनों को ढाई ढाई ग्राम की मात्रा में यानी आधे आधे चम्मच की मात्रा में आप यानी एक चम्मच दोनों मिला करके सुबह शाम लीजिए। और इसके अलावा यदि आपके आसपास कोई पंचकर्म चिकित्सा केंद्र है तो वहाँ जाइए, वहाँ नष्ट चिकित्सा एक होती है, उससे बहुत लाभ मिलेगा, आपकी जो समस्या है जो रनिंग नोज है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सर, इन्होंने जितनी भी आपने जो दवाइयाँ सर ने बताई हैं और आप नोट कर रहे हैं, गलत मत नोट कीजिएगा, अगर आपको गलत नोट आप करेंगे तो आप मार्केट में जाके भी वही चीज़ खरीदेंगे तो जो कि फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो हम तो आपको यहाँ से यही कहेंगे कि आप आयुर्वेद जो चिकित्सक है उनके पास जाएं, अपनी समस्या को बताएं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपने टीवी के माध्यम से प्रश्न किया था तो आपको इस तरह के उत्तर मिला था आपको इन दवाओं के बारे में, तो जहाँ पर करेक्शन वो कर सकते हैं आपको कि इस बारे में, और जितना भी ट्रीटमेंट है आप आगे करवा सकते हैं। सर जैसे कि आपने पंचकर्मा की बात की है तो आयुर्वेद में पंचकर्म अपने आप में एक तरह से हम ये कहें कि तमाम तरह की बीमारियों के लिए अगर कोई इलाज हम ढूंढते हैं तो वो पंचकर्मा में हमें मिल जाता है। सर बहुत संक्षेप में बताएं पंचकर्मा। पंचकर्म जो है हमने पहले भी बताया कि दो प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, एक शोधन और समन। समन में हम दवाओं से ठीक करते हैं रोगी को और शोधन में हम पंचकर्म करते हैं जी। तो पंचकर्म में जो है एक पूर्व कर्म होता है जिसमें हम मालिश करते हैं, सिकाई करते हैं रोगी को, उससे पहले उसको दो तीन दिन दीपन पाचन यानी कुछ दवाइयां देते हैं जिससे उनकी भूख बढ़ती है। इसके बाद उसको हम मेन पंचकर्म में ले जाते हैं जिसमें वमन है, विरेचन है, एनिमा देते हैं, आस्थापन और अनुवासन वस्ती है, और जैसा कि मैंने अभी बताया नश्यकर्म है। और इसके अलावा पंचकर्म में, हालांकि पंचकर्म में नहीं आता लेकिन कुछ लोग शिरावेद और रक्तमोक्षण भी करते हैं जो ब्लड लेटिंग की एक प्रोसेस है, ये पंचकर्म है। इसके बाद डाइटरी रेजिम, प्रॉपर हम रोगी को हल्के आहार से फिर पुनः उसके नॉर्मल आहार पे लाते हैं, तो ये पूरी पंचकर्म की प्रोसीजर है। ऐसा कहा जाता है मतलब एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन, यस ये आपने बिल्कुल सही कहा, डिटॉक्सीफाई करना, या हम ऐसा कहें कि शरीर में जैसे हम अपनी गाड़ी है उसकी सर्विसिंग कराते हैं प्रॉपर टाइम पे, तो बीमार लोगों के लिए तो पंचकर्म है ही, लेकिन मैं कहता हूँ कि पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति को भी कराना चाहिए। जैसे हम बहुत ध्यान देते हैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं प्रॉपर टाइम पे, लेकिन पंचकर्म को हम नहीं कराते हैं, तो हमें कराना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक तरह से हमारे शरीर का शुद्धिकरण है। यस मैम, यहाँ पर महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हमारी अधूरी रह जाएगी, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं शाय नेचर की होती हैं, नहीं बता पाती हैं, क्या है आप मतलब आपके पास तो आती होंगी महिलाएं, तो आयुर्वेद में कितना कारगर हो जाता है महिलाओं से संबंधित रोग? कुछ छोटी छोटी चीजें बताती हूँ मैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर होंगी। सबसे पहले जैसे आम समस्याएं होती है महिलाओं की, श्वेत पर्दा, सफेद पानी का आना, बिल्कुल जल्दी, उसके लिए बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी कि गुनगुने पानी में टब में थोड़ा सा एक टुकड़ा फिटकरी का घोल के उसमें बैठ जाएं 10 मिनट जी, आधा काम तो उसी से ही हो जाएगा। गुनगुने पानी में गुनगुने छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा आप डाल दीजिए, उसमें 10 मिनट बैठिए किसी भी समय जी, और या फिर फिटकरी अवेलेबल नहीं है तो आप बीटाडीन डाल सकती हैं। अच्छा, तो मतलब जी, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। रक्ताल का एनीमिया बहुत होता है कॉमन, तो उनके लिए जैसे आजकल आंवला है, जिस मौसम में जो चीज जो फ्रूट्स अवेलेबल हो वो लीजिए, गुड़ ले सकती हैं, उसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। समय सीमा में बंधे हैं मैडम, तो इसलिए आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, लेकिन चलने से पहले आप दोनों को आज धन्वंतरी जयंती की, मैं आयुर्वेदाचार्य हैं आप लोग, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो आज की। और चलने से पहले ये कि हम अपने दर्शकों से भी यहाँ पर ये जरूर कहेंगे कि किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है, पूरी तरह से जानकारी जब तक ना हो तो आप अपने आप उसका इलाज ना करवाएं, चिकित्सक के पास जाकर ही, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, किसी भी तरह का इलाज अपने आप शुरू ना करें। आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, समय निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, हमें उम्मीद है आयुर्वेद से संबंधित जितने भी तकलीफों के बारे में आज हमने बातचीत की है, यह बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन चलने से पहले मैं एक बार फिर से ज़रूर कहूँगी कि अपने आप अपनी चिकित्सा आप न करें, चिकित्सक के पास जाएं, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई जितनी भी जो दवाएं हैं उनका ही आप सेवन करें और विज्ञापनों पर भी आप न जाएं। चलने से पहले आप सबको दूरदर्शन केंद्र देहरादून की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।